मतलब अच्छा ईश बंटी और बबली वेरी नॉटी, तुम दोनों साथ में बोलोगे तो समझेंगे कैसे हम, क्या हो क्या रहा है, इतनी सारी कहानियां, इतने सारे अपडेट्स टीवी की दुनिया के। एक काम करते हैं ना, एक ही जगह पर बैठकर ये सारी कहानियां देख लेते हैं, और वो है हमारी सास बहू और बेटिया की सीरियल एक्सप्रेस। चलें स्टार भारत के सीरियल सूफियाना प्यार मेरा में हो रहा है महाड्रामा, जहां सल्तनत है बेहद परेशान और रो रो कर उसका बुरा हाल है। और इन सब के बीच सल्तनत माधव से शिकायत करने लगती है और उससे जुड़े सारे राज जानना चाहती है, और वो इतना तक कह देती है कि उसे प्यार का एहसास होता ही नहीं। ऐसे में माधव भी भड़क जाता है और सल्तनत को खूब खरी खोटी सुनाता है। और ऐसे में सल्तनत घर छोड़कर जाने का फैसला लेती है, और अब उसने ठान लिया है कि वो अपने बारे में सारे राज पता लगा कर ही रहेगी। अब देखना होगा कि सल्तनत कैसे अपनी खुद की ही सच्चाई का पता लगाती है। सोनी टीवी के सीरियल इशारों इशारों में चल रही है योगी की बैचलर्स पार्टी। अपने घर की छत पर ही अपने दोस्तों के साथ योगी बना रहा है अपनी बैचलर्स पार्टी, और पार्टी के लिए सारी चीजों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है परी को, और परी भी डॉक्टर है तो फर्स्ट एड बॉक्स में छुपते छुपाते वो पार्टी का सारा सामान ले आती है। पार्टी के दौरान योगी का नशा उसके सर चढ़कर बोलने लगता है, उसे आती है गुंजन की याद। ऐसे में जब परी सात फेरों और सात वचनों का मतलब पूछती है, तो कुछ इस तरह डेमो देकर योगी उसे सात फेरों का मतलब समझाने लगता है, और साथ ही साथ बताता है सात वचन लेकिन इशारों इशारों में। वह पार्टी तो खत्म हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पहुँच जाते हैं योगी के पापा जी, जिन्हें कुछ कुछ शक होने लगता है, लेकिन योगी बात को संभाल लेता है। हमारे लिए बैचलर्स पार्टी जितनी सस्ती और टिकाऊ हो जाए वही अपने लिए बेटर रहता है, तो घर की छत पे ही हम लोगों ने परी को बोला कि हमारे लिए बियर अरेंज करा दे, और आपस में हम चार थोड़ा सा अपना पार्टी कर रहे हैं। डॉक्टर है तो सबकी नज़रों से बचा के फर्स्ट एड बॉक्स में बियर भर के ले आई, तो दैट वाज क्वाइट स्मार्ट। हाँ, वो एक्चुअली योगी जोश जोश में एक बॉटल पूरा जल्दी जल्दी में पूरा पी गया, तो हल्की सी उसको हिट आ गई, तो सब उसको टीज कर रहे थे कि क्या है शादी में, तो करके दिखा रहा था, और जल्दीबाजी में जोश जोश में फेरे लेने लगे वो, तो टाइम पे बबलू ने रोक लिया, वरना यहीं पे एक ड्रामा हो गया था। डायलॉग है बाजीराव का, वो बिल्कुल एप्ट बैठता है योगी की लाइफ पे, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है गुंजन से, और कल के दिन उसकी शादी है, उस दिन का वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, तो फाइनली योगी की लाइफ में उसका एक अच्छा दिन आने वाला। हाय एवरीवन, मैं हूँ योगी, और प्लीज़ मेरी शादी में ज़रूर आइएगा रात 8 बजे सोनी पे इशारों इशारों में।